गाइस गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आर चैनल एंड आई एम रुचि गोयल डबल ए एंड ट्रिपल ए फैकल्टी एट इलेंस सो आज हम बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा फिसल जाते हैं या मेरे को लिटरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे डीएम्स आते हैं मैम हम इतने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स याद कैसे करें सो so, याद करना अगर तुम रट्टा हो तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है दिस वीडियो इज मेड टू मेक हैिंग सिंपलर फॉर यू गायस एंड तुम्हें ये सबसे ईजी टॉपिक लगे इस वीडियो के बाद ठीक है तो अगर इजी बनाना है तो ये वीडियो देखना पड़ेगा टेलेंट नाउ बिफोर आई एक्चुअली बिगेन मैं शर्त के साथ कह सकती आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस सकते मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म क्यों हो रहे हैं ठीक है तो कोई भी टॉपिक करो उसका पहले परपज समझो सो अगेन वेन इट कम्स टू ऑडिट प्रोसीजर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म क्यों हो रहे, हैं वाई आर वी परफॉर्मिंग दिस बाय आर वी डूइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, क्यों हम अपना एज एन ऑडिटर टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट वेस्टिंग आर टाइम सो वी आर डूइंग ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर टू पर्पसेस ठीक है सबसे पहले टू ऑपटेन एस ए अब मैम ऐसे ही क्या है

The original document, right? So that is in terms of the quality of evidence, right? Second is the risk assessment. Now, risk assessment is the second purpose as to why I am performing the audit procedures. ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता and इसकी वजह से let me tell you हम general answers पे घुस जाते हैं instead of case specific. अब क्या होता है Let's say for example मुझे क्या दिया हुआ है Exam में एक company दी हुई है ABC company. अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आई कैन मेक आउट कि उस पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क कहाँ लाए कर रहा है इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मतलब मुझे कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में हिंट दिया होगा कि देर इज अ रिस्क रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अब बच्चे क्या करते हैं नीचे क्वेश्चन पढ़ा कि मैम प्रोसीजर्स लिख लेते वैल्यूएशन में हमने तो लिख डाले बेटे किसके लिखे तुम लिखकर आ गए हो एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर और रिस्क क्या था कंपनी में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट समझना इज द मेजर पार्ट एंड ये नाइनटी परसेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं समझ पाते ठीक है जब क्वेश्चन मूव फाड़ के बोलता है कि राइट प्रोसीजर टू वैल्यू टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तब तुम ठीक लिखते हो जब क्वेश्चन नहीं बोलता कि राइट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द इन्वेंट्री फॉर द इन्वेंट्री तो तुम्हें अपने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क था ठीक है सो देयर विल बी फ्यू इंस्टेंसेस देयर विल बी फ्यू हिंस इन क्वेश्चन कि क्या रिस्क है टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जहां पे बच्चे गलत कर रहे हैं ठीक है एंड तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि हमें केस स्पेसिफिक आंसर लिखना है हमें उस क्लाइंट का रिस्क समझना है एंड हमें जनरल आंसर्स अवॉइड करने हैं ठीक है नाउ बिफोर अगेन आई टेल यू द टेक्निक ठीक है मैं पांच मिनट बाद टेक्निक बताने वाली हूँ कि कैसे हम एक प्रोसीजर लिखेंगे और कैसे हम कोई सा भी प्रोसीजर लिख सकते हैं दो चीजें हम ध्यान रखेंगे ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू कंप्लीट द सेंटेंस मैम हम ना काम कर रहे हैं टॉप फोर में बिग फोर में हम ना बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हम ना टॉप मारते हैं आप हमें क्या ये जनरल सी टिप दे रहे हो कंप्लीट सेंटेंसेस गाइस आई नो सब बहुत इंटेलिजेंट है जो भी ये वीडियो देख रहा है बट लेट मी टेल यू ये छोटी सी मिस्टेक ऑफ योर मार्क्स ठीक है इसमें बहुत गलती होती है एंड बहुत गलती के चांसेस है तुम सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते हो ठीक है इवन आई है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग की हम जब भी प्रोसीजर्स लिखेंगे हम प्रोसीजर या उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे उसमें कॉमा फुल स्टॉप सब लगाएंगे एंड हम उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल चेक द सैंपल चेक द सैंपल वॉट सैंपल विच सैंपल, वाई आर यू डूइंग इट ठीक है चेक द सैंपल इज नॉट करेक्ट सेंटेंस फाइन इट इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस सो मेक श्योर जब भी हम प्रोसीजर्स लिख रहे हैं वी आर राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस राइट सेकंड एक्शन योर प्रोसीजर शुड ऑलवेज कंटेन एन एक्शन ठीक है अब मैम ये एक्शन कैसे लिखेंगे एक्शन को लिखते हुए दो चीजें ध्यान में रखनी है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट ये दो चीजें तुम्हें थोड़ा बाद में समझ में आएंगी बट ये दो चीजें तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक प्रोसीजर लिखेंगे हम एक्शन लिखेंगे एंड हम अपना सेंटेंस हमेशा कंप्लीट करेंगे फाइन नाउ पता क्या होता है हम ना स्टडी टेक्स्ट डबल ए की बहुत कंप्लीट करते हैं एंड जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा तुम्हारा उसके ऊपर ध्यान डालना चाहती हूँ देखो अगर तुमने स्टडी टेक्स्ट कभी खोल के भी देखी हो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ये पर्पस बताता है कि हम ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जैसे मैंने बोला हमें स्पेसिफिक रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसकी वजह से तुम क्लाइंट का रिस्क नहीं समझते हो और तुम जनरल ऑडिट प्रोसीजर लिखना शुरू हो जाते हो इंस्टेड ऑफ द केस स्पेसिफिक सेकेंड टू ऑप्टेन दफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फाइन नाउ राइटिंग गुड ऑर्डर प्रोसीजर्स अभी पहले हम समझ के आते फिर देखो uh, ठीक है जैसे मैंने बोला क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अन वर्ड यू नो ऑलवेज राइट द कम्प्लीट सेंटेंट ऑलवेज कम इट शुड ऑलवेज है ठीक है सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव ना नाउ कम्स द मेजर थिंग मैम आप ये बताओ कि प्रोसीजर लिखने कैसे है मैं प्रोसीजर याद कर करके थक गया हूं। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मुझे याद ना करना पड़े ठीक है अब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अगर आंसर लिखूंगा तो अब मैं जनरल आंसर तो नहीं लिखूंगा मैं केस स्पेसिफिक लिखूंगा वहां में क्लियर हो गया बट ये प्रोसीजर कैसे लिखना है ठीक है नाउ टू मेक एनी प्रोसीजर यू नीड टू राइट थ्री थिंग्स इन योर सेंटेंसेस What is that? What? How? And why? These are the three things. अगर तुमने ये तीन चीजें लिख दी और एक complete sentence बना दिया let me tell you, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कि तुम्हारे substantive procedure में full marks आए ठीक है And तुम बेकार के silly marks नहीं खोगे Ma'am, what? Let's study each by one by one. ठीक है आप थोड़ा वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हमें ये लिखना है नाउ वॉट वॉट में हम लिखेंगे एक्शन वर्ड्स ठीक है जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हमें एक्शन वर्ड्स लिखना जरूरी है इन अ ऑडिट प्रोसीजर मैम एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं कि आखिर ऑडिटर कर क्या रहे वॉट नीड्स टू बी डन ओके तो इसे मैं कहती हूं ऑडिट वर्ड्स भी ठीक है कुछ वर्ड्स होते हैं टेक अ हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड यू कैन राइट एनी एक्शन वर्ड जैसे मैम सबसे पहले यू कैन डू रिकलकुलेट ऑप्टेन ट्रेस अग्री रिव्यू डिस्कस इंक्वायर कास्ट सो दीज आर योर एक्शन वर्ड्स फाइन सो दिस इज है? तो जब भी भी तुम अगर audit procedure के तुमने आंसर पढ़े होंगे, तो तो ऐसे ही पहला पार्ट हमारा डन हो गया द फर्स्ट हमें तीन चीजें लिखनी थी वर्ड हाउ एंड वाई उसमें से हैज टू बी रिटन इन दी एक्शन वर्ड्स की ऑडिटर को आखिर करना क्या है ठीक है नाउ

Uh, यहां से मैंने एक वर्ड उठाया डिस्कस ठीक है यहां से मैंने उठाया लॉयर ठीक है तो दिस इज द कॉमन मिस्टेक कि जब भी स्टूडेंट प्रोसीज़र लिख रहा होता है तो वो वॉट और हाउ तो बहुत अच्छे से लिख लेता है बट वो थर्ड पार्ट बोल जाता है ठीक है तो नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ स्टूडेंट आर राइटिंग क्या होता है मेजरली इट कम्स एज अ सोर्स मतलब कहा से तुम वो इंफॉर्मेशन ले रहे हो हाउ यू आर डूइंग दैट सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया या कोई पार्टी हो गई या कोई पर्स हो गया या कोई थर्ड पार्टी हो गई मैनेजमेंट हो गया बैंक स्टेटमेंट हो गए वॉइस हो गए ठीक है या कोई पॉलिसी रेट सो दिस इज मेनली दोर्स नाउ वाय आर यू डूइंग दिस प्रोसीजर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई ठीक है तो वाई को आंसर करते हुए यू कैन जनरली थिंक ऑफ थ्री थिंग्स योर असर्शन योर ऑब्जेक्टिव और योर पर्पस ठीक है तो ये तीन चीज हम हमेशा सोच सकते हैं एज टू वाई आर बी परफॉर्मिंग दिस एंड ये नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं आई डोंट नो वाई बट ये लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई वाई आर यू डूइंग इट ओके सो मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल दीस थ्री थिंग्स इन योर सेंटेंस एंड देन योर ऑडिट प्रोसीजर विल बी कंप्लीट फाइन वाई वाई आर यू डूइंग इट

अप्रोप्रिएटनेस ठीक है सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू दी टेक्स एंड एग्जाम्पल्स हम फिर से रिवाइज करते हैं ऑर्डिट प्रोसीजर्स क्यू परफॉर्म होते हैं ड्यू टू टू रीजन एंड आई टोल्टिमेम्बर टू परटिकुलर थिंगस कंप्लीट द सेंटेंस एंड ऑलवेज मैं एक्शन एंड फाइनली टू कंप्लीट द प्रोसीजर हमें तीन चीजें लिखनी है वॉट हाउ एंड अब हम थोड़ा स्टडी टेक्स्ट में जाते हैं उन्होंने भी यही बोला है कि एक प्रोसीजर को लिखने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट नीड्स टू बी डन हाउ इट शुड बी डन एंड व्हाई इट शुड बी डन गाइस दिस इज अ गोल्डन टिप एंड लेट मी टेल यू अगर तुम लिटरली ये फॉलो कर रहे हो ना तुम गलत प्रोसीजर लिख ही नहीं सकते या तुम इनकम्प्लीट प्रोसीजर लिख ही नहीं सकते आफ्टर यू आर डन विद प्रोसीजर जिस रीड एड बैक क्या वो एक ऐसे बंदे को समझ में आएगा जिसके पास ऑडिट एक्सपीरियंस ना हो मतलब क्या हो तुम्हें लिख दिया कि यू डिस्कस विथ दस मैंने यही लिखा है डिस्कस विद मैनेजमेंट अगर अब मैं इसे खुद को रीड बैक करू मैनेजमेंट तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यार में क्या में क्यों so sure उस बंदे को समझ में आएगा जिसके पास ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है ओके सो दिस वॉज अ गोल्डन टिप दैट वी समाइम्स मिस नाउ ऑब्जेक्टिव अब ये होती है गलती अभी तक हमने क्या बोला हमने मैम ये सीख लिया कि प्रोसीजर लिखना कैसे है अच्छे से बट हम कहा फिसलते हैं ये आपने व्हाट वाई हाउ वाली टेक्निक ना हम शायद पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं या हम किसी और ट्यूटर की वीडियो में भी देख चुके हैं बट अभी भी हमारे प्रोसीजर गलत हो रहे हैं अब क्यों गलत हो रहे हैं समझो अब एग्जाम्पल्स अब देके समझाती हूँ अब क्यों गलत हो रहे हैं ठीक है अगर तुम्हें ये टेक्निक पता है और फिर भी गलत हो रहे ऑडिट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तुम्हें यह दिखेगा कि यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस चेक दी सैंपल ऑफ एसेट्स इसमें आई कैन क्लियरली फिगर आउट कि वाई मिसिंग है कि मैं आखिर ऐसा कर क्यों रही राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ये बैड आंसर क्यों है कोई मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ व्हाई इट इज अ बैड आंसर विदाउट रीडिंग एक्सप्लेनेशन गाइड्स एंड विदाउट गोइंग टू फर्दर वीडियो मुझे नीचे बताओ कि ये बैड आंसर क्यों है मैम इसने तो सब कुछ लिखा है व्हाट हाउ एंड व्हाई तो आप इसे गलत आंसर क्यों बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज नॉट दैट क्वेश्चन ने मूव फाड़ के बोला है कि हमें वैल्यूएशन पे प्रोसीजर लिखना है और अगर तुम ये प्रोसीजर पढ़ो दिस प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स फाइन सो हमें एज आई ऑलवेज मैं ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो एक्शन तो लिख रहे हो बट ऑब्जेक्टिव क्या है ओके सो ऑलवेज ऑडिट प्रोसीजर अगर क्वेश्चन में एक्सिस्टेंस के प्रोसीजर मांगे हैं और तुम वैल्यूएशन के प्रोसीजर लिख कर आ रहे हो प्लीज एक्सपेक्ट जीरो मार्क्स फ्रॉम योर सेल्फ एक्सपेक्ट जीरो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है देन यू नीड टू असेस देन यू नीड टू सी देन यू नीड टू सेलेक्ट योर सेल्फ ठीक है थोड़ी असर्शन फॉर योर सेल्फ बट अगर असर्शन दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने क्लियरली वेरीफाई किया है और तुम नहीं लिख रहे ुलर वीडियो आई होप इट हेल्प यू गाइज एंड आई होप आप कोई ऑर्डर प्रोसीजर गलत नहीं लिखेगा And uh, let me know in the comment section which is the next topic you want me to cover for the next YouTube video. Thank you so much for watching. All the best. Bye.